व्हाट्सएप के अभी हमें कुछ दिन पहले चार स्टेटस दिखे। तो क्या व्हाट्सएप हमारे लिए फिर से वैसा ही हो गया है? किसको पता है। और व्हाट्सएप इंस्टॉल कर दिया? नहीं, क्यों? प्राइवेसी लीक करवानी की तेरे को? अबे कमारो जैसी बातें मत कर यार। देखो ये बात पता है कि ये अपने प्राइवेसी पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन को 15th मई तक शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ तो मुझे बोलने देगा? ठीक है चल भाव, बोल। जोक मर रहा है तो यार देख, व्हाट्सएप ने अपने इन एप्लीकेशन नोटिफिकेशन के थ्रू अपने सारे पॉलिसी टर्म्स अनाउंस किए थे और उसमें क्या बोला था कि फरवरी 8 से पहले अगर हम उस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारा अकाउंट सीज कर दिया जाएगा या फिर हमारा एक्सेस नहीं रहेगा हमारे अकाउंट पे, और यही चीज लोगों को ट्रिगर कर गई। तो यार व्हाट्सएप ने इसी डाउट को क्लैरिफाई किया था कि ये पॉलिसी लोगों को उनके बिजनेस में हेल्प करने के लिए जरूरी होगी, और यही चीज इन्होंने अपने ऐप में 2018 में भी लॉन्च की थी ताकि बिजनेस और कस्टमर्स के बीच कम्युनिकेशन ठीक से बैठे। तो यार उन्होंने अपने ब्लॉग अपडेट में क्या लिखा है मैं बताता हूँ तुम्हें अभी फोन पे देख के। उन्होंने कहा है कि वी आर नाउ मूविंग बैक द डेट ऑन विच पीपल विल बी आस्क टू रिव्यू एंड एक्सेप्ट द टर्म्स। नो वन विल हैव देयर अकाउंट सस्पेंडेड ऑन फरवरी 8th। We are also going to do a lot more to clear up the misinformation around how privacy and security works on WhatsApp. We'll then go to the people gradually to review the policy at their own pace before new business options are available on May 5th. और तेरे को मैं इसका Facebook factor भी बताता हूँ। The updated policy terms informed users that WhatsApp receives information from and shares information with the Facebook family of companies. These changes were focused on introducing new options for business using WhatsApp. अच्छा सुन, अभी मुझे एक आर्टिकल आया है, एक दोस्त ने भेजा, लिखा है कि WhatsApp के अगेंस्ट PIL फाइल हुए हैं दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेसी पॉलिसी चेंज के लिए। सुप्रीम कोर्ट वाला ऑल इंडिया ट्रेडर्स के कॉन्फेडरेशन ने किया है, लेकिन बताओ अगर ये सब नहीं होता तो WhatsApp कभी अपनी पॉलिसी आगे इम्प्रूव ही नहीं करता। और यार WhatsApp तो अभी भी Facebook से लिमिटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। वो तो है। देखिए यार प्राइवेसी एक्सपर्ट्स ने अभी ये की इशू इसलिए रेज किया है क्योंकि ये पॉलिसी अपडेट्स बस इंडिया और यूरोप के लिए आए हुए हैं, और इसी वजह से इंडिया का पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ रिन्यू किया गया है। मतलब इंडिया का भी डेटा प्रोटेक्शन बिल फिर से एस्टेब्लिश होने वाला है। सही है। और पता है तुझे अभी व्हाट्सएप के ग्लोबली 50 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं जिसमें से 15 यूजर्स तो बस इंडिया से एक्टिव रहते हैं। अरे तुझे याद है जब लास्ट ईयर फेसबुक ने रिलायंस पे $5.7 बिलियन इन्वेस्ट किया था, तब रिलायंस और व्हाट्सएप ने एक कमर्शियल पार्टनरशिप शुरू किया था मिलके साथ में, और उसमें वो जियो मार्ट के हेल्प से छोटे छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करने वाले थे, और उसमें एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की भी हेल्प लगने वाली थी। और हाँ, वो तूने इलॉन मस्क का ट्वीट देखा था, वो सिग्नल ऐप यार क्या राइज करने लगा उसके बाद। मतलब वो ऐप अभी लास्ट वीक के वन ऑफ द मोस्ट टॉप डाउनलोडेड ऐप्स में आ चुका है। काश ऐसा कोई ट्वीट जाता यार, ये लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते, भूल जाते हैं। मुझे तब भूलने से याद आया, वो प्रीवियस ओनर का क्या नाम था? कॉम। हाँ भाई, क्या बोला था ना उसने जब व्हाट्सएप छोड़ा था, रिस्पेक्ट फॉर योर प्राइवेसी इज कोडेड इनटू आवर डीएनए, वी डोंट नो योर होम एड्रेस, वी डोंट नो वेयर यू लिव। और अब देखो उसके जाने के बाद क्या हो रहा है। हाँ लेकिन यार लोगों को भी समझना चाहिए ना, मतलब मार्क के प्लेटफॉर्म पे इतने साल गुजारे हैं, भरोसा ही नहीं उस पर। सही में। तो चल मेरे जाने का टाइम हो गया अब, और मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में। चल बाय।